क्या आपको चाहिए एक मोस्ट पावरफुल गेमिंग फोन? हाँ भाई। क्या आपको गेम खेलते वक्त वॉइस चेंज करना है? हाँ भाई। क्या आपको अल्ट्रा एचडी और स्मूथ पे गेमिंग करनी है? हाँ भाई हाँ। और मैं आपसे कहूँ कि ये सब आपको मिलेगा 18999 की प्राइस पॉइंट पे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? यस, एक ऐसा फोन है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ऑलराइट दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में सोचा कि चलो यार एक ऐसे फोन का गेमिंग रिव्यू देते हैं कि एक्चुअली में एक गेमिंग फोन है और इसमें कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, कुछ न्यू फीचर्स आए हैं गेमिंग को लेके। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज, वो है पोको एक्स 3 प्रो। करते हैं इस फोन का एक असली गेमिंग टेस्ट। उससे पहले बॉयज रिलैक्स। इसके स्पेक्स के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं सामने स्क्रीन में दे दूंगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों वो है 120 हर्ट्ज विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, मतलब स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज का प्रोसेसर, वो भी अंडर 20,000 रुपीज। आई थिंक एक लौता स्मार्टफोन है जो आपको प्रोवाइड करा अभी फिलहाल के लिए। सो गेमिंग करने से पहले मैंने फोन को अपडेट कर लिया था, जो भी अपडेट आए हुए थे पोको की तरफ से इसमें लेटेस्ट, वो सारे अपडेट मैंने कर दिए हैं। एंड BGMI को भी मैंने लेटेस्ट जो वर्जन है उसे भी डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर BGMI सेटिंग्स को कि हम किस किस सेटिंग्स पे इस फोन में गेम को एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर हम ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करते हैं तो सेटिंग्स में हम गए। सो ग्राफिक में आपको स्मूथ, बैलेंस, HD, HDR और अल्ट्रा HDR का ऑप्शन मिल जाता है, और फ्रेम रेट में आप लो, मीडियम और हाई और इनफैक्ट अल्ट्रा पे यहाँ पर गेम को एंजॉय कर सकते हैं। स्मूथ और एक्सट्रीम का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक और चीज़ दोस्तों, मैंने फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट पे फ़ोन को सेट कर दिया है और इसमें आपको 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो मैं कहूँगा एक गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आप गेमिंग करते हैं। So, फिलहाल के लिए हमने TDM स्टार्ट कर दिया है और चलिए लड़ते हैं। So, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्राफिक है वो फिलहाल के लिए अल्ट्रा HD और अल्ट्रा पे यानी कि हाईएस्ट सेटिंग पे है। एंड लेट्स सी हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। भैया बेइज्जती मत करवा देना, मैं किसे मार रहा हूँ? ओ भाई साहब यार, इतने प्रो प्रो प्लेयर है यार कि बता नहीं सकता। अपुन ये बात अपुन किसी से नहीं डरता, आ जाओ। अबे बाद में लूट ले भाई साहब, पहले इधर मार ले। ये देखो ये देखो, भाग अर्जुन। अबे भाई साहब बाद में लूट लियो। एक चीज जरूर कहूंगा यार, जो ग्राफिक्स है ना वो काफी तगड़े हैं, और अभी तक फिलहाल मुझे कोई भी फ्रेम या फिर लैग देखने को नहीं मिला। मैं एकदम हाईएस्ट अल्ट्रा HD पे गेम को खेल रहा हूँ। अरे सुन, मैं तेरी टीममेट का हूँ। एक मिनट, मैं जानता हूँ। ए मार मत। अबे मैं तेरी टीममेट का हूँ। मनोज सारू प्रो गेमर यहाँ पर। कभी कभी तो लगता है मैं भी एक गेमिंग चैनल खोल ही लूँ। ये देखो चिपात, तुमसे ना हो पाएगा। बस सीरियसली एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, मतलब अल्ट्रा HD में और स्मूथ एक्सट्रीम पे सीरियसली काफी तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसके अलावा टेस्टिंग के लिए मैंने फोन में पूरा एक इरेंगल मैच भी खेला है, 30 मिनट्स की गेमिंग करी है। तो यहाँ पर 30 मिनट्स में भी आपको कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। हाँ, ये जो बैक साइड है ये हल्का सा वार्म होता है, बिकॉज जो मौसम है अभी गर्मियों का मौसम है, तो बैक साइड में ये हल्का सा वार्म जरूर होता है, आपको यहाँ गर्म फील जरूर होगा, बट इसे हम ओवरहीट नहीं कहेंगे। और एक और चीज, इसमें आपको ना स्टीरियो स्पीकर मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप गेम खेलते हो ना तो एक्चुअली में ये चीज नोटिस होती है, आपको एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब ओवरऑल दोस्तों जो गेमिंग एक्सपीरियंस था ना वो टू गुड था। एंड हाँ, इसमें आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फोन है स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया है एंड गेमिंग के लिए। फोन में आपको GT मोड दे रखा है, यानी कि गेमिंग टर्बो मोड दिया गया है। एंड इसकी मदद से ये जो मोड है बेसिकली करता क्या है, ये विजुअल को एनहांस कर देता है। मतलब सिंपल में कहूँ तो आप सुपर HDR में गेम को खेल सकते हो इसकी मदद से।
एंड मैंने आपको पहले भी बताया था एक गेमिंग सेटिंग्स में जहाँ पर आप अपने गेमिंग का परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि आजकल के स्मार्टफोन ब्रांड आपको गेम मोड देते हैं और गेम मोड काफी यूजफुल होता है, स्पेशली अगर आप एक गेमर हो तो। जैसे आप गेम को ओपन करते हो तो यहाँ पर सिंपली आप ऐसे स्लाइड करके जीटी मोड को ओपन कर सकते हो। ये है दोस्तों गेम मोड, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको विजुअल एनहेंसमेंट का एक आइकन दिखेगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो ओवर सैचुरेटेड अगर आपको करना है, या फिर ब्राइट आपको सैचुरेटेड करना है यहाँ पर ओवरऑल कलर देखते वक्त। तो यहाँ पर आप ये सारी जो चीजें है ना इजिली सेट कर सकते हैं यहाँ पर विजुअल एनहेंसमेंट आइकन पे क्लिक करके। मतलब आपको किस तरह के कलर्स पसंद आते हैं, सैचुरेटेड या फिर ओवर सैचुरेटेड, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इस गेम मोड के फंक्शन में जाके सेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको जैसा अच्छा लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर कलर देख सकते हो। इसमें आपको एक और ऑप्शन दे रखा है जो कि है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये काफी यूजफुल है। ये बेसिकली करता क्या है, ओवरहीट को और हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू को अवॉइड करेगा ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। ये चीज ना मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि गेमिंग खेलते वक्त हमें वॉइस चेंज करनी है, लाइक अगर आप बॉय हो तो गर्ल की आवाज निकालनी है या फिर वुमेन की आवाज निकालनी है, वो कैसे निकाले। वेल, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको मोड दे रखा है इस जीटी मोड के अंदर ही आपको वॉइस चेंजर मिल जाता है। मतलब आप गर्ल हो तो उसकी आवाज आप बॉयज में चेंज कर सकते हो, या फिर बॉय हो आप तो उसकी आवाज आप गर्ल में चेंज कर सकते हो। वैसे है तो बड़ा ये यूजफुल फीचर, लेकिन कुछ लोग है ना सिंगल लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो मैं नहीं चाहता यार इस फीचर का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करना। एक और फीचर है जो कि है फ्लोटिंग विंडो, और ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप गेमिंग कर रहे हो और गेमिंग करते करते वक्त आपको व्हाट्सअप यूज करना है, फेसबुक ब्राउजर यूज करना है, या फिर आपको कुछ सर्च करना है, या फिर आप कोई भी यहाँ पर ऐप को यूज करना चाहते हो गेमिंग के ऊपर ही, आप गेम को मिनिमाइज नहीं करना चाहते, तो ये जो फ्लोटिंग विंडो फीचर है काफी यूजफुल है। और इसे भी दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर जीटी मोड के अंदर जाके वहां पर आपको एप्स दिख जाएंगे, और सिंपली आप किसी भी एप्स को सिलेक्ट करोगे जो भी आपका फेवरेट है, जिसे भी आप गेम खेलते वक्त यूज करना चाहते हैं, वो सिंपली एक फ्लोटिंग विंडो के ऊपर यानी गेम के ऊपर ही आ जाएगा, और आप उसे दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, एंड सिंपली आप इसे स्वाइप करके उस स्क्रीन को हटा भी सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक गेमर हो और आप गेमिंग अपने जो भी गेम प्ले है उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देन आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि इसी मोड के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है, तो यहां पर आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों आपको जीटी मोड में आपको कई सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से दो फीचर है जो मुझे सबसे यूजफुल लगे। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स वॉइस चेंजर है, जिसकी मदद से आप वॉइस को चेंज कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों विजुअल एनहांसमेंट। ये दो फीचर है जो पर्सनली मेरे फेवरेट है जीटी मोड में। यस डेफिनेटली, अभी भी दोस्तों अंडर 20K में आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक फुली फीचर पैक गेमिंग फोन है। सो इफ योर बजट इज अंडर 20K एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गेमिंग स्मार्टफोन, मतलब अंडर 20,000 रुपीज आपको कोई एक बढ़िया टॉप क्लास का गेमिंग फोन चाहिए, स्टिल आई कैन रिकमेंड दिस फोन। वैसे आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इस फोन को बाय किया होगा, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना लॉन्ग टर्म का कि कैसा रहा है पोको X3 प्रो के साथ। तो बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलता हूं मैं आपको दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों बाय बाय।